नमस्ते। सुख संपत्ति घर आवे में आपका स्वागत है। अक्सर सुनने को मिलता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, ईश्वर की पूजा उपासना भी करते हैं, लेकिन हमारा पर्स यानी बटुआ, उसमें पैसा नहीं टिकता। पर्स हमेशा ही खाली पड़ा रहता है। आधुनिक समाज में स्त्री हो या पुरुष, सभी के पास पर्स रहता है और सब चाहते हैं कि जरूरत का पैसा उनके पर्स में पड़ा रहे। हालांकि ये प्लास्टिक मनी का दौर है, लेकिन पर्स में धन रखा होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसके कारण आपकी झोली यानी पर्स हमेशा भरा रहेगा, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी कैसे आपके पर्स में ठहरे, ये बताने से पहले लक्ष्मी नारायण की एक कथा सुनाते हैं। महर्षि भृगु के बारे में तो आपने सुना ही होगा। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और वे सप्तऋषि मंडल में के एक ऋषि भी हैं। सावन भादव में भगवान सूर्य के रथ पर वे हमेशा सवार रहते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और मुनियों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री हरि नारायण में कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है। जब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उन्होंने देवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि भृगु को इस परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया कि वो तीनों देवों के यहाँ जाएंगे और उनकी बारी बारी से परीक्षा लेंगे। तो महर्षि भृगु सबसे पहले पहुँच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने जाकर न तो उनको प्रणाम किया और न ही ब्रह्मा जी की स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि आखिर उनका पुत्र उनके पास आया और उनकी स्तुति भी नहीं की। क्रोध की अधिकता से ब्रह्मा जी का मुख लाल हो गया था, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि ये उन्हीं का पुत्र है, उनके हृदय में उठे इस क्रोध के आवेग को शांत कर लिया। ब्रह्मा जी की परीक्षा के बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पहुंच गए, देवाधिदेव महादेव के यहाँ। जब महादेव ने देखा कि महर्षि भृगु आ रहे हैं तो वो प्रसन्न हो गए और अपने आसन से उठकर उन्होंने महर्षि भृगु को आलिंगन करने के लिए दोनों बाहें फैला दीं, लेकिन महर्षि ने उनका आलिंगन ही स्वीकार नहीं किया। ये देखकर महादेव को झटका लगा और महर्षि भृगु ने आगे ये भी बताया कि आखिर वो आलिंगन महादेव का क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। उन्होंने कहा कि महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उससे सृष्टि पर संकट छा जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। महादेव ने जब ये सुना तो क्रोधित हो गए और क्रोध में महादेव ने अपना त्रिशूल उठा लिया, मारने के लिए दौड़े, लेकिन माँ भगवती आ गईं। उन्होंने जैसे तैसे महादेव का क्रोध शांत कराया। इसके बाद महर्षि भृगु वैकुंठ लोक पहुँच गए। उस समय श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु ने जाते ही सबसे पहले भगवान के पक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु वो अपने आसन से उठे और उन्होंने सबसे पहले महर्षि को प्रणाम किया। उनके चरण को सहलाते हुए बोले कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी ऋषिवर, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपके स्वागत के लिए नहीं आ पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है, आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं भी धन्य हो गया। भगवान विष्णु का प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसके बाद वो ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री हरि के यहाँ सभी अनुभवों का विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनने के बाद ऋषि मुनि हैरान हुए और उन्होंने उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों का संदेह मिटाने के लिए ऐसी लीला रची थी। नारायण की श्रेष्ठता की कथा आपने सुनी। हम बात कर रहे हैं कि आपके पर्स में लक्ष्मी नारायण यानी नगद नारायण कैसे टिकें, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपके पर्स में आपको आखिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे पर्स हमेशा भरा रहे।
आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम एलएनसीटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट lnctu.ac.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी मूलभूत जरूरतों से लेकर ऐसो आराम तक की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। पैसा कमाने के लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार हमें सफलता मिलने के बाद भी पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। पैसा हम कमा लेते हैं लेकिन वो खर्च हो जाता है। ऐसे में हम आपको 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें से अगर एक चीज़ भी आपके पर्स में रही तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप धनवान बने रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा की तस्वीर रखने से कभी भी आपके पर्स में पैसे की किल्लत नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद यदि कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। ऐसा करने के बाद आपको जीवन में कभी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा लिखकर लाल रेशमी धागे से गांठ बांधकर अगर आपने पर्स में रख लिया तो उस लाल कागज पर लिखी हुई इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों समान माने गए हैं। हिंदू धर्म में चावल के दानों अर्थात अक्षत का खास महत्व है। अगर पर्स में चुटकी भर चावल या चावल के 21 दाने आप या अनचाहे खर्च को कम करना चाहते हैं तो ये दाने अपने पर्स में रखें, आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अक्षत में बहुत शक्ति होती है। हर विधान में चावल के दाने का अपना महत्व होता है और ये महत्व आप अपने पर्स में रखने के बाद खुद भी महसूस करेंगे। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल के दाने रख लेते हैं तो आपके पर्स में बेवजह के पैसे खर्च नहीं होंगे और पैसों की बरकत आपके पर्स में हमेशा बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपके माता पिता या कोई बुजुर्ग अगर आशीर्वाद में आपको नोट दे देते हैं तो उस नोट पर आपको करना सिर्फ इतना है कि केसर या हल्दी का एक तिलक लगाएं और उस नोट को अपने पर्स में हमेशा रखें। ऐसा करने से बड़ों बूढ़ों के आशीर्वाद के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके पर्स पर बनी रहेगी। वैसे भी हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है वह अमोघ होता है। उस आशीर्वाद से हमेशा समृद्धि ही प्राप्त होती है। यदि आपके पर्स में जगह है तो ठीक है, अगर जगह नहीं है तो उसमें इतनी सी जगह जरूर बना लें कि उसमें पैसे के साथ साथ कौड़ी या गोमती चक्र रखा जा सके। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहता है। एक और प्रयोग, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप उससे संबंधित गोमती चक्र, समुद्री कौड़ी, कमलगट्टे, छोटा पिरामिड, लाल रंग का धागा भी अपने पर्स में रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी इन सब चीज़ों से भी बहुत प्रसन्न होती हैं। इन चीज़ों को पर्स में रखने से पहले थोड़ी देर माता के चरणों में रखें। ऐसा करते हैं तो आपका पर्स खाली रहने की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसा करने से कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मान्यता है कि यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा है तो उसे भी पर्स में रख लीजिए, धन लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा भी रख लें, एक छोटा सा चाकू भी रख लें, इससे भी आपके धन के आगमन के रास्ते बन जाते हैं। पर्स में अगर छोटा रुद्राक्ष रख लें तो उससे भी आपकी दरिद्रता दूर होती है और धन की वृद्धि होती है। अगर आप कुछ ज़्यादा खर्चीले हैं जिसके कारण आपका पर्स खाली हो जाता है तो आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली भी रख लें। ये उपाय बेवजह खर्चों को नियंत्रित करने के लिए है। जब लहसुन सूखने लगे तो उसे जल में प्रवाहित कर दें और दूसरी लहसुन की कली रख लें। इस उपाय करने से आपके पर्स में पैसा न टिकने की समस्या दूर हो जाएगी। सामान्य तौर पर लोग काला या कत्थई रंग का पर्स रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पर्स आपको लाभ भी दे। अगर आपको राशि के अनुसार देखें तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि तीनों ही अग्नि तत्व की राशि हैं और इस समय राशि के त्रिकोण भाव में अग्नि तत्व राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक त्रिकोण भाव अनुकूल होने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि वालों को लाल, संतरी या गेहूं रंग का पर्स रखना शुभ होता है। या अगर इस रंग का आप पर्स रखते हैं तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं वृष कन्या और मकर राशि की।
ये तीनों राशियां ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तीनों राशियों में त्रिकोण की समानता है, यानी तीनों के त्रिकोण भाव में भूमि तत्व होता है। भूमि का रंग भूरा होता है या मटमैला होता है, इसलिए इन तीन राशि वालों के लिए भूरा या मटमैले रंग का बटुआ रखना बहुत लाभप्रद होगा। तो आप अगर इन तीन राशियां हैं, आप में से अगर आपकी कोई राशि है, तो आप बटुआ का जो रंग है वो मटमैला या भूरे रंग का रखें। नीला सफ़ेद रंग का बटुआ इन्हें प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मारक स्थान में वायु तत्व की राशि होती है। पर्ष राशि वाले चाहें तो सिल्वर कलर का पर्स भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि की। ये तीनों ही राशियां वायु तत्व की राशि हैं। इनके त्रिकोण भाव में वायु तत्व होता है। जिनका जन्म इन राशियों में हुआ है, उनके लिए नीला, काला और सफ़ेद रंग का जो बटुआ होता है वो शुभ होता है। तो ऐसे जातक जिनकी तीन राशियां ये हैं, वो सफ़ेद रंग का, काले रंग का बटुआ भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की। इन तीनों राशियों का जल तत्व माना जाता है। इन तीनों राशियों के लिए हरा या सफ़ेद रंग का बटुआ भाग्यशाली होता है। जल तत्व की इन तीनों राशियों को लाल रंग, नारंगी या पीले रंग का जो बटुआ है वो कभी नहीं रखना चाहिए। इससे बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं और आपके बटुए में आया हुआ पैसा भी खर्च होने लगता है। अब पर्स और धन की बात चली रही है, तो सवाल उठता है कि पर्स किस मुहूर्त या समय में खरीदा जाए। तो मेरा निवेदन है कि पर्स कभी भी राहु काल में ना खरीदें। पर्स उपहार में लेने से भी बचें। अगर पर्स उपहार में मिल गया है, तो उसे उपहार देने वाले को उतनी कीमत का उपहार तत्काल दे दें। यदि आप पर्स लेना चाहते हैं, तो हमेशा शुभ मुहूर्त देखें। शुभ मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में अगर आप पर्स लेते हैं, तो आपके लिए शुभकारी होगा। धनतेरस, नवरात्र या रवि पुष्य नक्षत्र में पर्स या बैग की खरीदी करना सबसे अच्छा माना जाता है। यह सत्य है कि धनतेरस के दिन पर्स खरीद कर माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें और दीपावली के दिन उसका पूजन करके फिर इस्तेमाल करें। आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। अगर आपका पर्स फट गया है, तो उसे भी आप बदल लें। फटा हुआ या पुराना पर्स आपको आर्थिक तंगी के रास्ते पर ले जाता है। पर्स को धन सुख संपत्ति को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली जरिया माना गया है। इसलिए पर्स में कुछ भी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, तभी आप पर्स के जरिए धन सुख संपत्ति हासिल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पर्स में भूलकर भी अपने परिवार या व्यक्तिगत कोई भी तस्वीर न रखें। तस्वीरें आपके पैसे को आने से रोकती हैं, इसलिए जितना संभव हो प्रियजनों की तस्वीरों को पर्स में न रखा जाए। पर्स में कभी भी रसीदें भी न रखें, क्यों माना जाता है कि रसीद उस पैसे का सबूत होती हैं जो आपके पास नहीं है। इसलिए रसीदें रखने पर आपके पास रसीदें और कर्ज बढ़ जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि पर्स में पैसे से या पैसे से जुड़ी ही चीज़ें रखें। मसलन ड्राइविंग लाइसेंस को पर्स में कदापि न रखें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को भी आपके पर्स में न रखें, क्यों क्रेडिट कार्ड आपकी उधारी का प्रतीक है और ऐसी उधारी वाली कोई भी चीज़ आपके पर्स में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डेबिट कार्ड आप रख सकते हैं। कार्ड होल्डर कर्ज का प्रतीक होते हैं, इसलिए इन्हें पर्स में कभी नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो धन संपत्ति रखने की जगह तिजोरी हो या पर्स हो, उसे कभी भी खाली न रखें। खाली पर्स कभी भी धन को नहीं खींचता, इसलिए हमेशा पर्स में कुछ न कुछ रुपये ऐसे रखें जिन्हें आप कभी खर्च ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ईश्वर आपको बरकत प्रदान करते हैं और जब पर्स भरा हो, तो हम कह सकते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे में आज इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। नमस्ते। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।